साथियों, देश में जो हालात बने पिछले 7 साल में, जो वादे जनता को किए गए थे उनके साथ वादा खिलाफी हुई है और काट की हानि बार बार नहीं चढ़ती। आप लोग वोट लेते हो ध्रुवीकरण कर लोगों को बांट कर मजहब के नाम पर, जबान के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, लेकिन देश आपसे थक चुका है और आज बदलाव चाहता है। और मैं कहना चाहता हूं, इस देश में राष्ट्रीय स्तर पर अगर भाजपा को कोई चुनौती दे सकता है तो कांग्रेस पार्टी दे सकती है और आप लोग दे सकते हो। हम सबको साथ लेकर चलेंगे और आने वाले 2-2.5 साल के बाद जब चुनाव होगा तो 2024 में जो भाजपा और एनडीए का शासन का समापन होगा उसकी गूंज आज जयपुर से जाएगी और पूरा देश इस बात को मानेगा कि कांग्रेस की तिरंगे के साथ भाजपा को हराना संभव है। साथियों, महंगाई आसमान छू रही है। भाजपा के किसी एक नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि हम महंगाई पर नियंत्रण लाएंगे। कोई झूठा आश्वासन देने को तैयार नहीं है। सब लोगों को लगता है कि देश की जनता की वोट हमारी जेब में है, लेकिन लोकतंत्र में नौजवान और किसान और आम व्यक्ति की आवाज को कोई दबा नहीं सकता। लोकतंत्र में संस्थानों को खोखला करने का काम इस सरकार ने किया है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, जिन्होंने पूरी तमाम कांग्रेस पार्टी को एकत्रित कर आज जयपुर में इस महारैली का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, राजस्थान का, तमाम नेताओं का, जिन्होंने आप सबको आह्वान करके यहां पर आमंत्रित किया है। बहनों और भाइयों, राजस्थान उस मिट्टी की पहचान है जहां पर समर्पण भाव से, एकजुटता से 36 कौम को साथ लेकर हम बड़े से बड़ी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और देश में आज राजस्थान जयपुर से संदेश जाएगा। पूरे हिंदुस्तान के लोग आज देख रहे हैं कि वो सरकार जो दिल्ली में बैठकर शासन कर रही है उसके दिन पूरे हो गए और इन लोगों को, जिन लोगों ने वादे खिलाफी करी है, जिन लोगों की नाक के नीचे किसानों को कुचला जा रहा है, उन लोगों की उल्टी कितनी चालू हो गई और जयपुर से चालू होगी। आप सब लोगों के आशीर्वाद के साथ हम आगे बढ़ेंगे। राहुल जी और सोनिया गांधी जी ने जो संदेश कांग्रेस पार्टी के माध्यम से देश में फैलाया है उसका परिणाम ये आएगा कि हम लोग इस सरकार को मजबूर करेंगे कि आप महंगाई हटाइए, नहीं तो देश की जनता भाजपा को दिल्ली से हटा देगी। और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग दोनों हाथ खड़े कर बताइए कि देश की सरकार बदलने के लिए तैयार है और वो शुरुआत जयपुर से होगी। मुझे बहुत खुशी है, महंगाई हटाने का जो संकल्प आज इस जयपुर शहर से जाएगा उसकी गूंज दिल्ली में सुनाई देगी। और ये मुद्दा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नहीं, ये मुद्दा पूरे देश का है, पूरे हिंदुस्तान का है। और मैं ऐसा मानता हूं कि आज इस रैली के माध्यम से आने वाले समय की राजनीति को दिशा मिलेगी। वो लोग जो दिल्ली में घमंड और अहंकार से राज करते हैं, वो लोग जिनकी नीति और नियत दोनों खराब हैं, वो लोग जिन्होंने इस देश को अंधकार में धकेलने का काम किया है, वो लोग जिनकी नाक के नीचे देश की सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है, वो लोग जो नशे में हैं सत्ता के, वो लोग जो कहते थे कि किसान की आमदनी दुगनी करेंगे, उन लोगों को ये संदेश जयपुर से जाना चाहिए कि आप लोग गद्दी पर हमेशा तक नहीं बैठोगे। आम आदमी की जेब पर डकैती डालने का काम आपने किया है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर, खाने की सामग्री, फल फूल, साग सब्जी, तेल, जो भी बाजार में मिलता है उसकी कीमत आसमान छू रही है। उसके जिम्मेदार आप लोग हो और आप लोगों को मजबूर होकर, जैसे आपने तीनों कृषि कानून वापस लिए थे उसी तरह आज की रैली को देखकर केंद्र की सरकार को सर झुकाना पड़ेगा और कीमतों में कमी लानी पड़ेगी। राष्ट्रीय रैली आजादी के बाद की पहली बार दिल्ली के बाहर हो रही है। इतिहास बना जयपुर के अंदर रैली होने, राजस्थान वासियों की फख्र की बात है। जो समस्या आज घर घर में लोग दुखी हैं, महंगाई से महिलाएं त्रस्त हैं, आज ये जो लाखों लोग बैठे हुए हैं ये परिलक्षित कर रहे हैं उन भावनाओं को जो पूरे देश के अंदर, जो देशवासी हैं, विशेष रूप महिलाएं हैं, मिडिल वर्ग के लोग हैं, आदिवासी हैं, पिछड़े हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, गरीब आदमी हैं, महंगाई की मार उसके वजह से पड़ती है। पूरे देश में आपको यही माहौल मिलेगा जो आज जयपुर मिल रहा है।
इसके मायने हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, 7 साल का कुशासन आपके सामने है, वादे बड़े बड़े किए थे 2014 के अंदर, उन वादों का नाम ले नहीं रहे वो लोग, गुमराह करें लोगों को, आर्थिक नीतियाँ बर्बाद कर दी जिसके कारण आज महंगाई के ये हाल है और पूरे देशवासी दुखी है। हम सब जानते हैं कि राहुल जी ने जिस रूप में मुकाबला किया है मोदी जी के कुशासन का, क्या भूमि अधिग्रहण की बात हो, नोटबंदी की बात हो, गलत ढंग से GST लगाई गई उसकी बात हो, किसान आंदोलन हो, हर मुद्दे पर किसी ने आवाज बुलंद किए देश के अंदर, उसका नाम राहुल गांधी है। देशवासी जानते हैं विपक्ष की आवाज बन करके राहुल गांधी जो इस सरकार को, जिसकी सोच फासिस्टी है, लोकतंत्र विरोधी है, इसीलिए आज हम बात करते हैं संविधान बचाओ की, हम बात करते हैं लोकतंत्र बचाओ की, और ये हालात जैसे मंदे जा रहे हैं, सारी स्वच्छता बर्बाद हो रही है, जुडिशरी पे दबाव है, ED हो, इनकम टैक्स हो, CBI हो, कि हालात कर रखे सरकार ने आपको मालूम है, और यही कारण है बिना विपक्ष को विश्वास में लिए हुए जिस प्रकार से किसानों का आंदोलन एक साथ अधिक चलना दुनिया के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। आज सरकार को झुक करके प्रधानमंत्री को माफी मांगनी पड़ रही देशवासियों से, इतनी नौबत क्यों आई है ये सोचने की बात। हालात बड़े गंभीर हैं, किसान मारे गए वो सबके सामने हैं, दाम बढ़ गए पेट्रोल के, डीजल के, रसोई गैस के, सब आवाम की चीजों के क्यों बढ़ गए हैं, ये धोखा हो रहा है राज्यों के साथ में। केंद्र सरकार राज्यों के साथ में जो नीति अपना रही है बहुत खतरनाक नीति है, राज्यों की वित्तीय रूप से कमजोर करने की नीति है, मूल एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया गया जिसमें राज्यों को समय मिलता था, GST समय पर दे नहीं पा रहे हैं, सेंट्रल डिस्पोजल स्कीम थी उसका रेशियो बराबर कर दिया। इस प्रकार से तमाम राज्य सरकारें वित्तीय संकट में है, केंद्र सरकार कोई परवाह नहीं कर रही, सरकारें BJP के बोल नहीं पा रही। हम जानते हैं कि देश की दिशा में जा रहा है, विकास होगा राज्य सरकारें करेंगी, संकट आएगा राज्य सरकारें उसको पार कर सकती है। कोरोना का जो संकट आया था वो देखे जब घर है राजस्थान देश में शुरू रहा मैनेजमेंट करता, लोहा मान गया देश भी, दुनिया के मुल्क भी, किस रूप में व्यवस्था करी, गरीबों को पैकेज दिए। मैंने कहा कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, मुझे कहते घर है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं पूरे प्रदेशवासियों ने धर्म को निभाया, किसी को भूखा नहीं सोने दिया, एक दूसरे की मदद करी, इमदाद करी, NGO ने, धर्म गुरुओं ने, कोई कमी नहीं आने दी। इतने सबके साथ कह सकता हूँ मैनेजमेंट शानदार रहा, आज भी हमारा प्रबंधन बहुत शानदार है, तो कैसी भी देर आएगी हमने अच्छे प्रबंधन कर रखे हैं, राजस्थान वाले भी चिंता करने का आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर, क्योंकि राहुल जी अपनी बात कहेंगे, सोनिया जी बोलेंगी, हम चाहेंगे उनको सुने, हम तो रोज आपके बीच में बात करते रहते हैं, आप सबको मालूम है किस प्रकार से कोई मांग करते केंद्र से कोई परवाह होती नहीं है, प्रधानमंत्री को पसंद को जवाब आते नहीं है। पहला प्रधानमंत्री देश में होगा नरेंद्र मोदी जी जो मुख्यमंत्री के पत्रों का जवाब नहीं दे रहे हैं। अंदाज लगा दीजिए ये देश की समझ जा रहा है, हम सबका चिंतित होना लाजमी है, पूरा देश चिंतित है इस बात को लेकर के, तो घमंड और अहम के अंदर सरकार चल रही है। इसलिए आज महंगाई घटाओ रैली के नाम पे जिस रूप में रैली का आह्वान किया है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने, उसके लिए मैं सोनिया गांधी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।
आपने एक मैसेज दे दिया पूरे देशवासियों को, पूरा देश सुन रहा हम लोगों को, पूरा देश समझ रहा है इस सरकार के कुशासन को। समय आने पर उसका जवाब मिलेगा इनको, इसमें कोई दो राय नहीं है। बल्कि मैं अंत में कहना चाहूँगा, आज की रैली एनडीए गवर्नमेंट की, मोदी सरकार की पतन की शुरुआत के रूप में मानी जाएगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।